72,000 कितने लोगों को, 72,000 कितने समय में? कहते हैं राहुल जी 72,000 रुपए 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को, और 72,000 रुपए एक साल में 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए हिंदुस्तान की सरकार बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान किए दे सकती है। मैंने पूछा बताइए इतना पैसा, लाखों करोड़ रुपए है, मैंने पूछा इतना पैसा अगर हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देंगे तो क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा? कहते हैं राहुल जी हमने कैलकुलेशन करा है, नुकसान छोड़िए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। मैंने पूछा बताइए कैसे? कहते हैं देखिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। नरेंद्र मोदी ने दो झटके मारे, पहला झटका कुल्हाड़ी लेकर नोटबंदी की, और दूसरा झटका दूसरे पैर पर गब्बर सिंह टैक्स, दूसरी कुल्हाड़ी फटाक से मारी। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये दो कुल्हाड़ियां मारी, जो हमारे छोटे दुकानदार थे, किसान थे, मजदूर थे, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग थे, बेरोजगार युवा थे, उनके जेब में से एकदम नरेंद्र मोदी जी ने पैसा छीना। देखिए नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स गरीबों से पैसा छीनने का तरीका है। उन्होंने पैसा छीना, जैसे ही उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला आपने माल खरीदना बंद किया, पैसा ही नहीं था, चीजें कहां से खरीदेंगे, पैंट शर्ट साबुन टूथपेस्ट जो भी आप पहले खरीदते थे वो आप नहीं खरीद पाए, कम खरीदा। जैसे ही आपने कम खरीदा हिंदुस्तान के दुकानदारों को नुकसान हुआ, जैसे ही आपने कम खरीदा हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्री ने माल बनाना बंद किया हिंदुस्तान के फैक्ट्रियों के मालिकों ने हिंदुस्तान के युवाओं को बुलाया, कहा भैया अब आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है, वापस जाइए, चलिए वापस जाइए, यहां पे तो कुछ बनाना ही नहीं है, फैक्ट्री को कोई जरूरत नहीं है, वहां पे तो कोई खरीद नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स किया, पूरा का पूरा भट्टा बैठ गया। तो न्याय योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, अब न्याय योजना सीधा डायरेक्ट आप ही के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डालेगी। जैसे ही वो पैसा 25 करोड़ लोगों के हाथ में आएगा, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा, किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा, वैसे ही आप उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, आप चीजें खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही आप चीजें खरीदना शुरू करोगे दुकानदार बेचना शुरू करेंगे, जैसे ही डिमांड बनेगा फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी, फैक्ट्री मालिक कहेंगे भैया उन्हीं युवाओं को पकड़ के लाओ जिनको हमने फैक्ट्री से निकाला था, उनको बुलाओ, रोजगार की जरूरत है, फैक्ट्री चालू करनी है, और लाखों युवाओं को राजस्थान में बाकी प्रदेशों में लाखों युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाए। तो बताया कि न्याय योजना 72,000 रुपए 5 करोड़ बैंक अकाउंट में सिर्फ गरीबों को नहीं मदद करेगा, हिंदुस्तान के गरीबों को मदद करेगा, किसानों को मजदूरों को, मगर छोटे दुकानदारों को मदद करेगा, छोटे बिजनेस चलाने वालों को मदद करेगा, फैक्ट्री वालों को मदद करेगा, और जो बेरोजगार युवा हैं उनको सबसे ज्यादा मदद करेगा।
हमने इसको न्याय योजना नाम दिया। मुझसे पूछा गया भैया इसको क्या नाम देना चाहिए, पहले हम नाम देते थे महात्मा गांधी मनरेगा, भोजन का अधिकार। मैंने कहा नहीं, इस बार इस योजना को न्याय योजना नाम देना है, क्योंकि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने, चौकीदार ने, हिंदुस्तान के सब लोगों के साथ अन्याय किया है, और अगले 5 साल में हमें दिखाना है कि हम अन्याय को बदल के, हम बदला नहीं लेते। तो मैं बदले की भावना से नहीं बोल रहा हूं, मगर जो आपसे छीना गया है 5 साल, जो आपसे छीना गया है उन लोगों को दिया गया है। किन लोगों को, मैं बताता हूं। देखिए, अनिल अंबानी, मेहुल, नीरव, ललित, ये 15 लोग हैं भाई और बहनों, 15 हैं। 15 लोगों ने 5,55,000 रुपया हिंदुस्तान के बैंक से छीना, कर्ज लिया और वापस नहीं देते हैं, और नरेंद्र मोदी जी इनकी रक्षा करते हैं। 5,55,000 करोड़ रुपए कर्जा इनका माफ किया नरेंद्र मोदी ने, 5,55,000 करोड़ रुपए, 45,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को कर्ज दिया, 33,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, 33,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। यहां अभी मुझे बता रहे थे आप, अभी बताया कि पानी के लिए 1500 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने दिलवाए थे, पानी की योजना के लिए, सिंचाई की योजना के लिए, नर्मदा का पानी। आपको 1500 करोड़ रुपए नहीं दे पाए। आप अपने आप से सवाल पूछो, आपके पानी के लिए 1500 रुपए नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए दिया। ऐसे 20 डिस्ट्रिक्ट का काम किया जा सकता था, 20, एक छोड़िए, मगर नहीं, किसान की मदद नहीं की जाएगी, बेरोजगार युवा की मदद नहीं की जाएगी, माताओं बहनों की मदद नहीं की जाएगी, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की मदद की जाएगी। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। क्या जरूरत है ऐसे हिंदुस्तान की? सबको न्याय मिलना चाहिए। दूसरा उदाहरण देता हूं, इस जिले से बहुत सारे लोग बाकी हिंदुस्तान में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, भाइयों और बहनों, बुलेट ट्रेन के लिए नरेंद्र मोदी ने 1,00,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, 1,00,000 करोड़ रुपए। उस बुलेट ट्रेन में कितने लोग